की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान क्यों बनाया जाता है और भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके विषय में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या है। इसके लिए आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चिंतन और बहसों से काफी लाभ पहुंचा। वहां पर जब संविधान बनने के लिए संविधान सभा में इसके लिए बहुत चिंतन हुआ, चर्चाएं हुई कि संविधान कैसे बनेगा, कब बनेगा, और आर्थिक समानता पर आधारित और व्यवस्थाओं में कल्पनाओं करने लगे कि संविधान कैसा होगा। फिर भारत में संविधान के निर्माता कौन थे, जब संविधान बना तो संविधान सभा में ये कि भारत का संविधान निर्माता कौन था, यहाँ आपको संविधान बनाने का प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में सापेक्ष में कुछ जानकारी भी मिलेगी। तो आपको बता दूं कि संविधान बनाने वाले जो अब्दुल कलाम आजाद हो गए, टीसी कृष्णमचारी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, और दुर्गाबाई देशमुख हो गए, सरोजनी नायडू हो गए, ये जो नेता थे, जयपाल सिंह हो गए, ये जो नेता थे, ये सब संविधान निर्माण के लिए क्या थे, मतलब जो संविधान निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो आपको बताऊं चुने गए जनप्रतिनिधियों का जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, तो ये संविधान सभा होता है जो चुने गए जनप्रतिनिधियों का जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं जो सभा में संविधान नामक विशाल दस्तावेज, मतलब जो अपना भारत का संविधान है वो छोटा संविधान नहीं है, इसे 12 मोटे मोटे खंडों में क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। तो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1986 में चुनाव हुए, जो भारतीय संविधान था सभा के लिए उसका चुनाव हुआ वो कब हुआ, जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके बाद तत्काल देश जो था वो दो हिस्सों में क्या हो गया, बट गया, कौन कौन सा, भारत और पाकिस्तान। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दिसंबर 1946 में हुई, और इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बट गया, वो था भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा भारतीय संविधान को लिखने के लिए, संविधान सभा का जो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे 299 सदस्य थे। तो जो संविधान, जो भारतीय संविधान लिखा गया उस सभा के कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे, और इसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर दिया। जो भारत का संविधान है, मतलब इतने जो सदस्य थे 299 सदस्य थे, उन्होंने ये काम पूरा कर किया 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, मतलब भारत के संविधान को लिखने। और भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। इस दिन की याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, ये तो सभी को पता है कि 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। किसी दिन हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी, जब जो संविधान सभा थी उसमें 50 साल से भी
सभा द्वारा 50 साल इस सभा द्वारा 50 साल पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को नहीं व्यक्त करता, यह दुनिया के कई देशों के संविधान को फिर से लिखना पड़ा, लेकिन अपना भारत का संविधान एक ही बार लिखा गया और 50 वर्षों से हम इस संविधान के क्या कर रहे हैं, नए नियमों का पालन कर रहे हैं। और कई देश तो कई बार दुनिया में कई देशों में ऐसे भी संविधान है उनको फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि तो संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर भी वहाँ के सामाजिक समूह राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। जो भारत का संविधान है 299 सदस्यों ने मिलकर लिखा और इसमें सभी जितने भी मतलब दल थे मतलब व्यक्तिगत मतलब जो सोच थी वो सबके मतलब सहमति से अपना भारतीय संविधान लिखा गया और बना। लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जिनका संविधान क्योंकि संविधान को दर्ज बुनियादी बातों पर वहां पर सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। हम पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम कैसा है, अलग है। जो सामाजिक समूह राजनीतिक खुद संविधान की वैधता का सवाल नहीं उठाया और हमारे संविधान को एक असाधारण एक कैसी असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का हमारा दूसरा कारण यह भी है कि संविधान में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही उन सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने कैसे किया, प्रत्यक्ष ढंग से मतलब जो दिखाई दे प्रत्यक्ष ढंग से इस चुनाव का मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबली में सदस्यों ने किया और जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि ये एक समूह सभा में बैठकर इस संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया और इससे इस सामाजिक रूप से यह सभा सभी समूह तभी जो हमारा संविधान बना सामाजिक रूप से सभी समूह जाति वर्ग धर्म और पेशे के लोग थे और जिन्हें क्या था, अगर संविधान का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ तो इसका स्वरूप काफी कुछ इस तरह होता। और हमारे इसलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान का जो अनुभव है वो कैसा है, बिल्कुल अलग है। और अंततः आपको बताओ अंततः हमारे जिस तरह संविधान को काम मतलब हमारे संविधान ने काम किया वह संविधान एक पवित्रता और वैधता देता है। मतलब हमारे संविधान को आप कहना चाहिए संविधान का प्रारूप जो काफी व्यवस्थित हुआ खुला था और सर्वसम्मति से बनने वाले प्रयासों पर क्या था आधारित था। इससे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांतों को भी तय किया उसे सहमति बन गई और मतलब जो सर्वसम्मति से बनने का भी यहाँ पर क्या किया बनाने का भी क्या किया प्रयास पर उसको क्या किया आधारित था। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत तय किए गए हमारा संविधान बना तो बुनियादी क्या करेगा सिद्धांतों को तय किया उसमें सबको क्या बनाई गई सबकी क्या बनाई गई सहमति बनाई गई जिसे क्या कहते हैं हम प्रारूप। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख तो भारत संविधान के निर्माता कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने क्या बनाई एक प्रारूप समिति बनाई। तो फिर प्रारूप समिति के सदस्य जो थे अंबेडकर चर्चा करके एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान में प्रत्येक धारा पर क्या की उन्होंने कई दौर पर चर्चा की जो 2000 से भी ज्यादा संशोधन पर विचार हुआ। वो जो संविधान बनाया गया उस प्रत्येक धारा पर संविधान निर्माता कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान में प्रत्येक धारा पर कई दौर पर चर्चा चली संविधान कैसा होना चाहिए इसको हमेशा 3 वर्षों में कुल तो
तीन वर्षों में कुल जो 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई, तब आपको मैंने बताया कि प्रत्येक धारा पर कई दौर चले चर्चा की, 2000 से ज्यादा भी संशोधन पर विचार भी हुआ। सभा के पेश प्रस्ताव, हर शब्द, कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और इसे 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। जो भारत का संविधान है वो 114 दिनों गंभीर चर्चा के बाद इसे पेश किया गया और हर शब्द और हर कही गई बात को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया और 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों के हर प्रावधान में संविधान की व्याख्या के लिए बहस और दस्तावेजों का भी क्या किया गया, उपयोग होता है। तो ये अपन ने संविधान सभा पढ़ा। संविधान सभा में आपको मैंने बताया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, इस संविधान के निर्माता कौन थे और किस किस विषय पर, किस किस के मतलब सहमति से, किस किस नेताओं की सहमति से भारतीय संविधान को लिखा गया और से उसमें कितने सदस्य थे, ये सब आपको आज इस विषय पर संविधान सभा पर चर्चा की। धन्यवाद बच्चों।